नमस्कार, आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा, जिसके लिए हमने 1 किलो गाजर को कद्दूकस से कस लिया है। इसके लिए हम 1 लीटर दूध लेंगे, जितनी गाजर उतना दूध। इसको हल्का गर्म करेंगे। इसके बाद जब ये हल्का गर्म हो जाए, हम इसमें गाजर डाल देंगे। गाजर और दूध को अच्छे से चला दीजिए और इसमें खोलकर ही इसको पकाना है। इसमें अब तेज उबाल लाना है हमको, खोलता हुआ उबाल। अभी हम तेज आंच कर सकते हैं, ये देखिए उबाल आ गया। अब इसको हम इसी तरह से पकाते जाएंगे और चलाते जाएंगे जब तक ये ऐसा ना हो जाए। ये दूध बिल्कुल इसमें पककर सूख चुका है। गाजर और दूध अच्छे से पक गए हैं। अब हम शक्कर डालेंगे। शक्कर आप अपने टेस्ट के अनुसार डालिए। इसको भी हम चलाकर अच्छे से धीमी आंच पे। अब हमें आंच तेज नहीं करना है क्योंकि हलवा जल जाएगा। चलाते रहिए, नहीं तो हलवा लग जाता है। इसको भी हम वापस उतना ही पकाएंगे कि ये शक्कर और गाजर अच्छे से मिल जाए। ये देखिए शक्कर और गाजर मिलके तैयार है। इसका कलर भी इस तरह का हो जाता है जब ये शक्कर के संग पक जाता है। अब मैं इसमें मलाई डालूंगी। मैं घी का यूज़ नहीं कर रही हूँ और मैं ज़्यादातर हलवे में लौकी का हलवा हो या गाजर का हलवा, मलाई का यूज़ ही करती हूँ। लौकी का हलवा मैं पहले वीडियो में मैंने दिखाया है बना के, उसकी रेसिपी भी मैं भेज चुकी हूँ। इसको भी हम धीमी आंच पे फिर पकाएंगे कि मलाई और गाजर अच्छे से मिल जाए। अब हम जब तक ड्राई फ्रूट्स को घी में ऐसा फ्राई करेंगे कि खस्ता हो जाए पूरी, धीमी आंच पे बिल्कुल। काजू, बादाम, पिस्ता जो आपको लेना है आप ले सकते हैं, पर किशमिश थोड़ा बाद में डालेंगे क्योंकि किशमिश बहुत जल्दी सिकती है। पहले हम ये ड्राई फ्रूट्स सेक लेंगे। अब हम किशमिश डालेंगे। ये देखिए सभी ड्राई फ्रूट्स सिक गए हैं। अब हम इन्हें हलवे में डाल सकते हैं। सिके हुए ड्राई फ्रूट से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हलवा भी पक चुका है। मलाई, दूध, सब शक्कर मिलके सब अच्छे से पक गए हैं। हलवा बन चुका है। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। इनको वापस चलाएंगे अच्छे से, सभी चीज़ें मिक्स हो जाएं। आँच हमें धीमी ही रखना है। अभी हरी इलायची, इसके दाने निकाल के हम बारीक बारीक इनको पीस लेंगे। इससे हरी इलायची से वैसे भी स्वास्थ्य के लिए भी मीठे में डालिए बहुत अच्छी होती है और हलवे में फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। इस तरह से हम इसको बारीक पीस लेंगे। इसको भी हलवे में डाल के अच्छे से हलवे में मिला देंगे। बस ये हलवा पूरा बनके तैयार है। हमने हलवे को दूध में इसलिए पकाया है कि दूध में पकाने से इसकी गाजर की जो पौष्टिकता है, नेचुरल पौष्टिकता, वो नष्ट नहीं होती है और हेल्थ के लिए भी ये बहुत अच्छा रहता है। वैसे गाजर का हलवा सभी लोग बहुत कई तरह से बनाते हैं, पर इस तरह से बनाने से ज़्यादा पौष्टिक रहता है। आप भी बनाइए सर्दियों में और ज़रूर खाइए।